कई लोगों का मानना है जिंदगी नायाब है, कई लोग इसे डायन भी समझते हैं। जिस प्रकार की विपदा कभी कभी जिंदगी हमारी स्वयं की जिंदगी में लाने का कार्य करती है, उससे बहुत पीड़ा होती है। कई दफा इतनी पीड़ा होती है कि आपको आपके शरीर के कुछ जरूरी अंग गवाने पड़ते हैं, जैसे कि आंख, हाथ, जाने कितने। एक रोग आया था, माता कहते थे, उस रोग के कारण हमारे आज के मेहमान विनोद कोठाली सर, जो कि पेशे से एजुकेशनल ऑफिसर भी है, उन्होंने अपनी आंखें गवा दी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपने जज्बे से, अपने साहस से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दुनिया को बता ही दिया कि यदि इंसान में काबिलियत है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही इस मेहमान का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हम इनसे चर्चा करेंगे इनकी जिंदगी के बारे में, इनकी सफलताओं के बारे में, जुबान लड़खड़ा जाती है कभी कभी, सहन कीजिएगा, हम इतने प्रावीण्य नहीं है। तो यही बता रहा था, इसके साथ साथ एजुकेशनल ऑफिसर भी है साहब, तो एजुकेशन की बात भी करेंगे। सर, कहाँ से शुरू होती है ये आपकी जर्नी, सफर, थोड़ा बताइए दर्शकों को। थैंक्स बंच सर। वैसे तो मेरी जर्नी जब मैं छोटा था, 7-8 साल का, 1988 में, उस दौरान मुझे जो माता करके जो एक बीमारी आई थी, तो उस टाइम मैं काफी बीमार हो गया था। और उस टाइम हम लोग गांव में रहते थे, तो उस टाइम मुझे वो माता करके जो बीमारी थी ना, वो आई। तो जो 4 महीने का पीरियड जो था, तो उस टाइम अब मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था। अभी भी मुझे याद नहीं आता। मैं कोशिश काफी किया कि उस 4 महीने के भीतर क्या मेरे साथ हुआ है। उसके पहले का मुझे याद आता है, उसके बाद का भी मुझे याद। हाँ जी सर। तो उस टाइम मैं बीमार था, तो मेरे पिताजी भी बाहर गांव रहते थे, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, तो हम लोग गांव में रहते थे, वो बाहर गांव रहते थे। तो उस टाइम में मेरी जो दादी वगैरह थी, तो उतना डॉक्टर पे वगैरह उनका ये नहीं था। वो अभी गांव में तो पता है कि लोग ये जो सारी चीजें करते हैं, मंदिर उंदिर ये वगैरह, तो बाहर का बाप बुआ फर्जी ये वो, हमका फलाना ढिकाना अदरक लहसुन, ये सारी चीजें के बारे में बता रहे, जादू टोना काला जादू ये वही ना। हाँ सर। हाँ तो ठीक उसके है। ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं होना। और तो उसी इसमें तो अपन कह सकते हैं कि अभी उनका भी उन्हें अच्छी केयर नहीं की होगी, या फिर उसी की वजह से हुआ या नहीं। तो खाली ये मेरे साथ हुआ कि मैंने अपनी आंखें गवा दी उस टाइम। उसके बाद मैं 5-6 महीने, साल, 1 साल के करीब घर पे ही था। हमारे गांव में एक फेरी वाले बाबा आते थे, बाबा जी से भिक्षा मांगने। तो वो मेरे माँ से कहते थे कि अरे बेटी, की तुम्हारे बच्चों को दिखता नहीं है, तो ऐसी स्कूल सुना हो मैं कि जहाँ ऐसे लोग वहां पढ़ते हैं, तो आप उनको वहां दाखिल करवा दीजिएगा। तो मुझे मेरे माँ को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो कह रही थी कि हाँ मैं थोड़ा बाकी लोगों से पूछ पाछ करके मैं ये करूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो मेरे मम्मी ने मेरे मामा से वगैरह बात की, और मेरे पेरेंट्स वगैरह हम सब लोग फिर गए। तो 1991, हाँ उस टाइम में, तो वहां पे फिर मेरा एडमिशन किया ब्लाइंड स्कूल में, शिक्षा भूमि के पास जो स्थित है। तो वहां से मेरे जिंदगी की जर्नी जो स्टार्ट हुई है। मैं वहाँ 7वीं तक के पढ़ा, और उसके बाद जो बाजू में कुरीन मॉडल हाई स्कूल है, वहाँ 10वीं की, 10वीं में फर्स्ट आया था मेरे इसमें। और उसके बाद मैं 12वीं किया। बिलेटेड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो उसके बाद 12वीं मैं डीएनसी कॉलेज से किया।
और उसके बाद ग्रेजुएशन जो था मेरा तो अम्बेडकर कॉलेज से हुआ। लेकिन ग्रेजुएशन आप मुझे के बता रहे थे सर वो वाला, आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हुए भी प्रशासन की ओर से, सिस्टम की ओर से आप पे ये आरोप लगाया था कि आपने चीटिंग की थी और जी सर आपको फेल कर दिया गया था। मतलब ये जी जी सर बदतमीजी की गई थी उस समय। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो 10th में टॉप करता है, 12th में टॉप करता है, और साल ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में से ये कह दिया जाता है कि इसने चीटिंग की है। मतलब इस बात का कोई तुक नहीं बनता था। तो क्या था वो किस्सा, सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी सर जी जब मैं फाइनल ईयर में था तो मतलब दो चार पेपर तो हो गए थे। इंग्लिश का पेपर था, तो इंग्लिश के पेपर में क्या हो गया था, हम जब एग्जाम रूम में बैठे थे ना, तो उस टाइम में ना किसी ने कॉपी लाया था, पता नहीं। तो हम जो दोनों फ्रेंड थे अगल बगल में ऐसे बैठे थे, तो वहां कुछ डिस्टेंस था ऐसा, तो वहां पे वो चीट किसी ने फेंक दी या फिर गिर गए होंगे, किसी ने लाया पता ही नहीं। तो फिर हम पेपर लिख अच्छा, रहे थे, मुझे लगता है कि हमने चार पांच क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे तब तक, कि 40 मार्क का लिख के हो गया था। तो फिर उस समय जो चेकिंग करने वाले थे, तो वो आए, सबको चेक किया वगैरह वगैरह, इधर उधर देखे, तो बोले कि ये बोले चीटिंग आप दोनों में से किसी ने की। हमें तो कुछ पता भी नहीं था, हम तो उसको बता रहे थे, हम लिख रहे थे। और ऊपर से ब्लाइंड भी हो आप लोग तो कैसे पता रहेगा यार। हाँ तो सर फिर बोले कि नहीं, बोले चलो पेपर उठा ले उनने। मैंने बोला मैं मुझे हमें लगा कि कुछ पुरोनी वगैरह दे रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा। तो वो बोले कि नहीं, बोले चलो नीचे चलो, सर बुला रहे। मैंने बोला हुआ क्या, पता बताओ तो पता चल जाएगा। बोले सर नीचे आके। ठीक है भाई, हम गए दोनों। फिर वो पैटर भी आए, उनने भी बताया कि सर बोले हमने कुछ ऐसा चीटिंग वगैरह किया नहीं, अगर आपको लगता है तो हम आपके सामने ही उनको पेपर लिखते हैं। तो बोले कि नहीं हम नहीं, बोले वैसा नहीं, अगर आपको पेपर देना है तो आपको रस्टिकेट होना पड़ेगा या फिर हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, अगर पेपर नहीं देना है तो आप सीधे से घर जा सकते हो। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, हम ये चाहते थे कि हम रस्टिकेट ना हो, पुलिस कंप्लेंट ना हो, क्योंकि हमको मतलब करना था कि हम, हमें पता था कि हम पास हो सकते हैं। तो फिर मेरे फ्रेंड भी बोल रहे थे कि चलो यार अभी क्या करेंगे। तो हमें काफी शर्म आ रही थी वहां पे, क्योंकि हमने मतलब किया भी नहीं था, फिर भी हमें वो भुगतना पड़ा। तो फिर हम बाहर आए, फिर 1-1.5 घंटा तो उधर ही सोचते रहे बैठे वहां पे, क्योंकि हमें भी लगता था कि हम इतनी जल्दी जाएंगे तो लोग पूछेंगे अरे इतनी जल्दी पेपर कैसे दे के आ गए। तो उसके शर्म की वजह से हम वहां रुके, फिर गए। तो फिर काफी मतलब वो दिन हमारे लिए तो बहुत ही अपसेट वाला दिन था। तो फिर हमने फॉर्म किसी भरे, तरह सेंटर में पेपर निकाल लिया था, है ना, जी सर वो भी फिर भी नंबर हमने के साथ फॉर्म भर निकाला के। था। तो अब मैं हाँ फिर आपसे ये चाहता हूँ, वो जो जिस तरीके से आपका ये पोस्ट के लिए, एजुकेशन ऑफिसर के लिए जो सिलेक्शन हुआ था, वो भी किस्सा जी सुनाया था, बड़ा ही नायाब है, बहुत ज्यादा संघर्ष है, और ये 2006 की बात है। तो आप जी समझ सर सकते हो, ना ही ऑनलाइन सिस्टम था, ना ही मोबाइल फोन थे, लेकिन इतने नहीं थे कि जिससे काम चल जाए। वो किस्सा सुना दो सर, वो भी बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर हाँ तो मैं जब हमारा मतलब ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने का ही था, तो दिया था, तो उस जून महीने में मुझे एक लेटर आया था जिला परिषद की ओर से कि मुझे पता नहीं था मैंने फॉर्म कब फिल किया और क्या नहीं, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था उसके बारे में। भरा तो होगा ही, तभी वो लेटर आया था। तो आया फिर, तो एक दिन पहले मुझे लेटर वो मिला, मतलब शनि चार को या फिर फ्राइडे का ऐसा कुछ था वो। तो वो संडे को वो पेपर था। मैं घर पे बताया कि नहीं ये नौकरी के लिए लेटर है तो मुझे जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। तो मेरी मम्मी पूछती कि हाँ जाता क्यों नहीं है। तो मैंने बोला यार गवर्नमेंट वाले तो जगह भी नहीं भरते, क्या सोच के जाओ। तो फिर मैं सोचा, मैंने बोला चलो देखते तो है। मैं फिर मतलब उस टाइम तो ऐसे मोबाइल वगैरह बहुत कम थे मेरे घर पे वगैरह, नहीं था, एक लैंडलाइन था। तो फिर नहीं उसके बाद आया था लैंडलाइन, तो एक बाजू के इसमें गया था। मैं बोला
तो बोले कि फोन करना है, बोला मुझे फ्रेंड को थोड़ा सा, तो ठीक है। उनसे बात किया मैंने, बोला सर भैया मुझे तो राइटर वोटर मिला नहीं, मैं देखूंगा, बोला पेपर देने आऊंगा या नहीं आऊंगा। अरे नहीं बोले, तुम्हें आना पड़े, मैं देख के दूंगा, बोले तो आ जाना। मैंने बोला ठीक। फिर हमारे नेबर में एक आंटी रहती है, तो उनकी लड़की थी, तो मैंने बोला कह रहे तू मेरे साथ चलेंगी क्या पेपर लिखने, वो तो हाँ कह रही थी, लेकिन उसकी मामी बोल रही थी कि नहीं आपको, बोले मतलब आप कैसे मैनेज करोगे, मतलब नागपुर में जाना पड़ा। मैंने बोला मैं नागपुर में ही पढ़ा था तो आपको तो पता। फिर उनके मिस्टर बोले थे कि नहीं नहीं वो मैनेज कर लेंगे, मुझे पता है, बोले कि 15 साल नागपुर में रहा, अकेला हो जाता आता है, उसे सब समझता, तुम चिंता मत करो, उसको भेज देंगे। तो लड़की मेरे से आने के लिए तैयार हो गई। मैंने बोला चलो हम सुबह, फिर संडे को निकले, 11 बजे का पेपर था, तो हम सुबह निकल गए। तो फिर वो मदन गोपाल अग्रवाल वही सेंटर था, तो फिर हम वहां गए। फिर पेपर ए बर्डी में है सर, अच्छा। फिर वहां पे सेंटर था, तो गए हम लोग, फिर पेपर वगैरह दिए, तो मुझे पहला ही टेबल मिला था वहां पे, पहला ही बेंच पे बैठा था मैं बिल्कुल डोर के पास। तो फिर मैंने बोला उस लड़की को बताया, मैंने बोला तुम पढ़ते जाना, मैं जिस पे बोलूंगा उस पे राइट करो। बोले हाँ ठीक है। तो मैंने बोला जो जाते वो सवाल उसको कर लेंगे, बाद में देखेंगे। तो वन बाय वन पढ़ती गई वो, मैं बताती गया। मैंने बोला ये पेपर तो मुझे मतलब इतना कुछ हार्ड है ही नहीं, बोला केवल हलवा था उस। आसान सा आपकी भाषा में। हाँ जी। तो उस पेपर में एक ही एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं, तो वो मराठी में था कि आधे कवि कोणास म्हणतात। वो हालांकि मैं पढ़ा था, तो मैं कंफ्यूजन था, संत ज्ञानेश्वर को बोलूं या मुकुंदा, मुकुंदा मुकुंदा करके था, ऐसा मुकुंदा से मुकुंदा ऐसा कुछ था, तो था उसका आंसर। तो एक जन का मतलब वो जो वहां पे एग्जामर थे वो देख रहे थे मेरे तरफ, बोले आपका पेपर हो गया क्या। मैंने बोला हाँ सर। बोले आपके पास बहुत समय है, आप चेक कर लो, बोले पूरा। मैंने बोला 2-3 बार किया तो मैं सब तो सही जा रहा है। मैंने बोला फिर वो उस लड़की को बोला, मैंने बोला थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, बोला एक छोड़ेंगे नहीं अपन इसको, कुछ तो भी मार देंगे अपन, क्योंकि छोड़ना पूरा था नहीं है। तो तो निगेटिव मार्किंग थी क्या सर पहले? निगेटिव मार्किंग वगैरह का चक्कर था? निगेटिव मार्किंग उस टाइम नहीं था सर, उसके अच्छा बाद में आया था। अच्छा हाँ ये तो फायदे हैं। फिर हाँ मैंने बोला गलत होगा तो होगा, लेकिन इसको अपन कर देंगे। फिर मुझे एक याद आया कि नहीं ये सही है, क्योंकि मेरा मेरा वाला मतलब मराठी लिटरेचर था, तो उसमें वो था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार अपन ने तो अभी इसको पढ़े थे, यही है। तो फिर पूरी हिस्ट्री वो मेरे दिमाग में आ गई। मैंने बोला नहीं अपन सही है, तो फिर उसको लिखने लगाया। मैंने बोला एक मार्क और बढ़ जाएंगे। फिर पेपर होने सही के बाद, हाँ पेपर बात। होने के बाद हम लोग सब नीचे आए, काफी सारे लोग थे, 3 करीबन 2800 लोग ऐसे थे शायद, तो काफी एरिया से आए थे। फिर सब बोल रहे थे कि ये टफ था वो टफ था, मैंने पूरे छोड़ा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरे फ्रेंड वगैरह पूछ रहे, बाकी लोग भी आए थे जिनका पेपर भी नहीं थे, वो हमारे साथ वगैरह आए थे, काफी लोग थे वहाँ, पूछ रहे थे कि तेरा पेपर कैसे गया। मैंने बोला जैसे आया था वैसे छुड़वा दिए भाई, अब क्या होता है पता नहीं। मैंने बोला मेरे तरफ से तो मैंने काफी कोशिश की, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, बोला मुझे कि मैं गलत हुई है ना। फिर मैं उसको फाइंड आउट किया था, मैंने बोला मैंने तो सब सही छुड़ा लिया। तो फिर उसके बाद हमें दूसरे दिन स्कॉलरशिप मिलने वाली थी जो फाइनल ईयर की थी, तो हम इसलिए मिले थे कि मतलब पेपर भी था और बाकी लोग भी काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप जब मिलती है, स्टूडेंट जब टाइम होता है अपना, तो काफी सारा एक्साइटमेंट होता है उस टाइम। कितना स्कॉलरशिप मिलने वाला था आपको? हाँ सर वो 1200 या 1300 रुपये कुछ था। हम 1000 से तो 1200 1300 बहुत थे यार। हाँ, क्योंकि अपन कमाते नहीं थे ना, तो 100 रुपये भी अपने ये बहुत मायने रखते थे। सही है जी। तो फिर उसके बाद हम आए दूसरे दिन, फिर मिला, फिर पता भी चला कि इंटरव्यू भी है, तो कल फिर से आना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। घर गए, फिर पूरा डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, फाइल देखा, तो फिर आ गए दूसरे दिन।
पता चला था 11 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, हम लोग 9 बजे पहुंचे वहां बैठे जिला परिषद में वेट करते हुए कि कब आएगा अपनी नंबर, कब बुलाएंगे। तो करीब पूरा दिन तो जा चुका था, अभी 6 बजने वाले थे शाम के। तो फिर मैं ये भी सोचता था कि मुझे बाहर गांव जाना है, बस मिलेंगे या नहीं, फिर यार यार यहाँ पे इंटरव्यू होता है या नहीं, कुछ भरोसा नहीं लग रहा था उस टाइम की। मैंने बोला गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या पता नहीं। तो मैं जैसे जाने के लिए उठा था तो फिर उस समय अनाउंसमेंट हुआ था मेरे नाम का, तो फिर मैं इंटरव्यू देने चला गया। तो वहाँ सिलेक्शन कमिटी वगैरह बैठे थे, सीओ साहब और सीओ मैम थे, कलेक्टर वगैरह थे, बाकी लोग भी थे। फिर उन्होंने मुझे बैठने को बोला, मैं धन्यवाद किया उनका। फिर उन लोगों ने मेरा मुझे सवाल पूछने शुरू किए वन बाय वन। तो फिर मैं आंसर देते गए, जब कुछ आता नहीं था तो फिर शांत बैठा। तो फिर मैडम पूछ रही थी मुझे कि आपने कहीं काम किया हो क्या। बोला नहीं मैम, हम तो अब तक के पढ़ा रहे थे, अभी तो एग्जाम दिया हुआ है फाइनल ईयर का, किसी ने चांस दिया ही नहीं बोला काम करने का, अगर मिलता है तो डेफिनेटली करेंगे उसको। तो फिर मैं डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था तो मैडम बोले कि बताओ मैं निकाल लूंगी। तो मैडम ने निकाले, उसमें मतलब मैडम को एक मेरा ये था प्रमाण पत्र था, वो जो मैं स्टेट लेवल क्रिकेटर, चेस प्लेयर और ना जाने क्या क्या करते मैडम हो गई जी। तो मैडम देखा बोले कि आप क्रिकेट भी खेलते हो का। हाँ मैडम, बोला मैम मार्च टीम में सिलेक्शन हो गया था मेरा, तो मैं खेलने गया था, चेस का भी था और कुछ एथलेटिक्स का था। एथलेटिक्स में उतना स्ट्रांग नहीं था लेकिन खेलता था, एक दो बार ही जीता था जो लॉन्ग जंप वगैरह होता है उसमें। तो फिर मैडम ने देखे बोले कि हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर मेरे फ्रेंड का वगैरह होने का था तो मैं भी वहां रुका, बाकी लोगों का हो गया। फिर हम लोग वेटिंग कर रहे थे कि उसका रिजल्ट, किसी ने बताया था कि 9 बजे तक के आ जाएगा, हम लोग वही बैठे। फिर 9 भी बज गए, फिर टाइम बीतते गया, मैडम चले गए। फिर एक जो ऑफिसर थे वहां पे, तो उनसे उनको पूछा सर कि कब मतलब होगा ये, मतलब रिजल्ट कब आने वाला। तो बोले कि मैं जाके आया मैम के यहाँ, मैम आराम कर रहे हैं। तो मैम ने कहा कि कल 9 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा, तो ठीक है। तो फिर हम वहां से फिर पैदल पैदल निकले, फिर करीबन हमको 11:30 तक के बजी गए थे, काफी भूख लग गई थी क्योंकि हम सुबह से कुछ खाए नहीं थे और दिमाग में ये चल रहा था कि इंटरव्यू कैसी होगा, अब कब होगा और उसके बाद क्या होगा। तो ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी हमारे। तो फिर वहां हम खाना वाना खाए, फिर देर रात बजे 12:30 तो हो ही गए थे। फिर उसके बाद एक फ्रेंड को फोन किया कि हमारे कहीं व्यवस्था है नहीं तो हम तुम्हारे आना चाहते, वो अकेले रहते थे उस टाइम, तो बोले कि चलो बिंदास आ जाओ। तो हम वहां पैदल पैदल गए, फिर हमको 2:30 तो बज ही गए थे। बोले इतनी रात कहाँ घूम रहे, बोले तो फिर उनको बताया कि नहीं ये ऐसे ऐसे इंटरव्यू था तो देने वाले। तो वो भी बोल रहे थे इंटरव्यू तो नहीं पास होंगे या फिर, बोला पता नहीं, अब कल पता चल जाएगा क्या होगा। तो बोले ठीक है। तो फिर हम वहां एक आधे घंटा सोए, फिर काफी एक्साइटमेंट था कि 9 बजे का वेट कर रहे थे हम, 7 बजे निकल गए थे वहां से। तो 9 बजे फिर 10, तो फिर 11 बजे के करीब वहां पे वो लिस्ट उनने लगा दी। काफी सारा वहां पे काफी सारा शोर था, लोग मतलब काफी एक्साइटेड थे। मेरा फ्रेंड कह रहा था कि चलो भैया अपन देख तो लेंगे अपन। मैंने बोला जान दो यार कि जो होगा सो होगा, क्योंकि जो रिजल्ट तो आ चुका है, केवल अपन को पता होने का है उसमें फेल है या पास। मैंने बोला चलो पीछे ही रहेंगे, वो बाकी लोग ही चिल्ला के बता देंगे किसका नाम है। तो बोले हाँ ये भी सही है। तो फिर मेरा नाम जैसे ही अनाउंस किया तो मुझे ढूंढ रहे थे लोग, अरे कौन विनोद है कैसे। हाँ जी, तो फिर मैंने बोला हाँ मैं इधर हूँ। तो बोले थे अरे भैया कॉन्ग्रेचुलेशन आप फर्स्ट आए हो। अच्छा, मैंने फर्स्ट आए थे भाई साहब। तो 2006 में जब ना काफी सारी चीजों का अभाव होता था और बीइंग ब्लाइंड इट वाज रियली रियली नॉट इजी कि आप प्री में टॉप करते हो, मेंस होगा तो वहां टॉप करते हो, इंटरव्यू में फोट डालते हो
और फिर आपका नाम, वो भी वो जो लिस्ट लगती थी ना पहले, थोड़ी होता था इंटरनेट पे देख लो ये वो वेबसाइट बिजी, नहीं लंबी लाइन होती थी, भीड़ होती थी, और वहां पे पहला नाम ही आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन रिलेटेड सर, थैंक यू। तो उसके बाद फिर मेरा फिल्म जो मेरा था साथ था, तो उसका भी सेकंड आया था, मुझे 76 पॉइंट समथिंग थे, 83, तो उसका फिर सेकंड आया था। और एक हमारा एक साथ में थे बादल भैया करके, तो उनका भी फिर सिलेक्शन वहां पे हो गया। तो वो इंटरव्यू देने वाले ही नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि यार, मैं बोले कि 50 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, अब क्या होगा मेरा। मैंने बोला भैया एक बार और ट्राई करो। तो बोला कि हमारे साथ तो देखो देखो, तीनों में से कोई तो सिलेक्ट हो ही जाएगा ना। तो बोले कि ठीक है। तो उनका ऐसे एयरपोर्ट में भी सिलेक्शन हो गया था, तो फिर वो सोच रहे थे कि, मैंने बोला चलो, बोले अच्छा हो गया तुम्हारे साथ आ गया, बोले इसलिए मैं सिलेक्ट हो गया। चलो तो उसके बाद फिर मेरी नौकरी की जो ये थे के बाद मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था अगस्त में। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैं ज्वाइन हुआ। तो फिर उस समय स्टार्टिंग में काफी मतलब स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ, क्योंकि हम रूलर केस में आते हैं, लोग और बाकी जो ये थे उनके मतलब विचार अपने प्रति जो है, तो जानकारी नहीं होती उनको पर्सन के बारे में, तो ये सारी चीजें थी। तो मैंने बोला अपन ब्लाइंड है तो मिस्टेक तो अपने से होंगी ही, लेकिन अपन कोशिश करेंगे अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे। तो और ऑफिस वाले भी कुछ कुछ मतलब बाकी लोग बोलते थे कि नहीं, ऐसे लोग मतलब क्या मतलब फुकट का पेमेंट वगैरह लेते हैं, तो वो थोड़ा दिल को मतलब लेंजर टाइप के लोग थे, कुछ भी बोले जा रहे हैं, बके जा रहे हैं बिना किसी तर्क के और तथ्य के। तो फिर एक मुझे वहां पे ना फिर ऐसी मतलब अभी हर दिन जाना आना था ही, तो एक डॉक्टर मिले थे मुझे, वेटरनरी के डॉक्टर थे। तो फिर वो बोले थे मुझे बिठाए, उन्होंने बोले कि आप कहाँ से हो वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको बताया, सर मैं यहाँ से, मेरा 12 किलोमीटर गांव है और मैं नागपुर में पढ़ाई वगैरह किया, और हमारा जो स्पेशल रिजर्वेशन होता है उसमें से हम लोग अभी एग्जाम दे के पास हुए हैं, तो यहाँ है। तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपको कैसे फील होता है। तो मैं तो उस टाइम में मेरा मतलब काफी इमोशंस आ गए थे मेरे, मतलब आंखों में पानी जैसा आ रहा था, आंखों पे आंसू आ गए, रोने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है, मतलब क्या बताएं। हाँ। सर को बोला कि सर नहीं, बोला कि लोग बोलते हैं, बोला कि दुनिया बहुत अलग, तो सही में अलग है। तो बोले क्यों? मैंने बोला मैं नौकरी तो कर रहा हूँ लेकिन मैं बोला खुश नहीं हूँ यहाँ। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो मैंने बोला मतलब लोगों का बोला जो बिहेवियर है, बात करने का ढंग है, वो मुझे मतलब नहीं। बोले आप अभी से मतलब हार मानोगे, बोले इस जिला परिषद की नौकरी में तो आप नहीं कर पाओगे, बोले यहाँ पे मतलब मराठी में बोल रहे थे वो, सूखा भी जलता है और गीला भी जलता है। वाह तो, क्या फिलॉसफी है ना, मतलब मैं थोड़ा सा ये तो, करना चाहूंगा बट स्ट्रगल देखो, खाली ग्रेजुएशन में मतलब टॉपर इंसान होते हुए भी आपको फेल कर दिया जाता है सिस्टम द्वारा, प्रशासन द्वारा या नियति द्वारा। उसके बाद इंटरव्यू में जो हुआ ये सारी चीजें, फिर आपको नौकरी मिल रही है कि नहीं, ब्लाइंड इंसान होते हुए, दृष्टिबाधित होते हुए स्ट्रगल देखो, फिर भी विनोद सर हार नहीं मानते, करते जा रहे हैं करते जा रहे, और आज उनकी रिस्पेक्ट मतलब पूछो ही मत, आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी सर। तो फिर वो साहब पूछा था, मैं बोला सर जी, कुछ लोग बोले अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो मतलब वो केवल बोले शरीर से दिखते हैं, काम तो उनको कुछ आता नहीं, कुछ करते नहीं है, फिर भी ले रहे, उनके पास प्लस पॉइंट एक ही है, बोले क्यों देख पा रहे हैं। बोला हाँ ये भी है, आप बोले आप कर सकते हो, आपको बोले हार नहीं माननी चाहिए, आप कर सकते हो, आप वो करना ही चाहिए, आप बोले एक एग्जांपल मतलब प्रूफ कर सकते हो, बोले मतलब सोसाइटी के सामने कि आपके जैसा भी कोई इंसान है जो
सबके साथ में मतलब मिलकर काम कर रहा है, तो ये लोगों का एक आदर्श होगा बोले तुम्हारा जाएगा, एग्जांपल कर दिया बंदे ने। तो ये फिर उनके जो बोलने का ये जो प्रभाव था, इफेक्ट था मेरे मतलब दिल पे हुआ, मैंने बोला नहीं यार अब तो अपन को करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि बोला अपन ने अगर यहाँ पे छोड़ दिए तो अब आने वाले जो अपने भाई बहन है तो उनको भी ऐसी स्ट्रगल ना हो, इसके लिए उनको अपन कुछ बता सकते, कुछ पूछ सकते। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब सबसे बड़ा बॉस यहाँ पे कौन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ, मतलब बहुत बड़ा टीचर मतलब ऑफिस टॉप था, तो हर क्योंकि हर डिपार्टमेंट था वहाँ पे, एग्रीकल्चर से लेकर वेटरनरी तक के, स्वास्थ्य वाला वगैरह सभी। तो फिर भी मैं 6 महीने के बाद मैम से मिलने गया था, सीओ मैम से। मैंने बोला मैडम मैं शायद इस डिपार्टमेंट में काम कर पाऊंगा या पता नहीं, बोला बोले क्या हुआ, तो मुझे बोला मतलब ठीक नहीं लग रहा और मैं चाहता हूँ कि मैं रिजाइन दूँ। तो सीओ मैडम ने मुझे बोला कि देखो स्ट्रगल बोले हर किसी की जिंदगी में आता है, और आप मतलब शायद ही बोले मेरे ख्याल से मतलब ब्लाइंड लोगों को वगैरह अपन मतलब अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो तो मिला है उसको लो, क्योंकि बोले ये स्ट्रगल तो हमेशा किसी के साथ ना किसी के साथ रहेगा, आप बोल कर सकते हो आप सर कि मतलब जब तक मरेंगे नहीं तब तक के तो स्ट्रगल ही है, चाहे आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ तो भी स्ट्रगल तो हट नहीं सकता, स्ट्रगल चिपका रहेगा सर जी। तो बोल रहे थे कि मैडम नहीं ऐसा मत करो, बोले आप करो, कुछ प्रॉब्लम अगर उसके अलग होती है तो फिर मुझे फोन करो, बोले कोई मतलब आपको ऐसा कुछ बोलता है क्या, कुछ मतलब गालियां वगैरह। मैंने बोला ऐसा तो है कुछ है नहीं, बोले लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था, बोला नहीं बोले आपको करना ही पड़ेगा, आप बोले मेरे पास तुम कम से कम 1 साल तक की मेरे पास नहीं आओगे कुछ पूछने। मैंने बोला ठीक है मैम, फिर वहां के लोगों ने भी समझाया मुझे, फिर गया मैं, फिर धीरे धीरे मैं लोगों को मतलब लोगों का दिल जीतेगा कि मैं करता था, उनको भी बोलता था मैं कि नहीं यार कुछ काम मुझे भी बताओ, मतलब ये कैसे किया जाता है, ये पेमेंट मतलब कैसे निकालते है, इसमें क्या दिया जाता है, किस टाइप का होता है बाकी सारे। क्योंकि एक बॉस थे तो वो रहे थे कि आप बोले केवल टाइपिंग का काम करो। अच्छा जी। तो फिर एक जो बाजू वाले क्लर्क थे तो उनसे पूछ, वो बोल रहे थे कि यार टाइप आप देख के नहीं कर पाओगे तो बताना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ सर वो तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैं रीड नहीं कर सकता। हाँ तो एक दो बार उनने मेरे से करवाए, थोड़े जान दो तुम टेंशन मत लो मैं हूँ बोले तब तक। तो मैंने बोला ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ये लगता था पहले से कि अपन मतलब हाँ कुछ ना कुछ करे अपन, और उस जो मेहनत करेंगे ना उसका मिलने वाला जो फल होता है वो मतलब अलग किस्म का होता है, मीठा होता है। तो ये मेरा ये था पहले से। तो फिर मैंने वो सारी चीजें की और मैं फिर आपने सारी चीजें सीखी, डेवलप्ड हुए आज तक सर, और मेरा ये सब था। मैं जब एजुकेशन में डिपार्टमेंट में तो हूँ, लेकिन मैं पूरे डिपार्टमेंट में जाता था, मतलब वहाँ पे क्या चलता है, किस तरीके के काम होते हैं, क्या योजनाएं होती है, मतलब किस किस तरफ से मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैंने खुद। तो फिर इसी तरीके से फिर मेरा ये काम काज चलते रहा और मैं खुद में इम्प्रूवमेंट लाया और काफी सारे चीज करते गया और इस आज मैं इस लेवल पे हूँ, काफी खुशी होती है। और काफी सारे लोग अभी मेरे से कनेक्ट हुए हैं और तो मुझे अच्छा लगता है, अभी ऐसा फील होता है कि मैं मतलब हाँ ऑफिस मेरे लिए एक फैमिली जैसा लगता है और काफी सारे लोगों का प्यार मिल रहा है और काफी सारे लोगों से लोग मेरे से एक्सेप्टेशन करते हैं, तो मुझे काफी खुशी होती है। और मैं कुछ मतलब अपनी तरफ से जितना भी अपने सोसाइटी के लिए जो गरीब फैमिली से आते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों के लिए जितना अपने तरफ से हेल्प कर सकता हूँ, उनको कुछ मोटिवेट कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ और काफी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है।
तो ये सारी चीजें है सर। तो ये आपकी बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशनल एक जर्नी रही है सर, इससे हमारे श्रोताओं को एवं दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अब जैसे कि आप एजुकेशनल ऑफिसर है, तो मैं इस पर आपसे कुछ डिस्कशन या चर्चाएं करना चाहता हूँ जिससे छात्रों को मदद मिले। तो पहली बात सर, आपको क्या लगता है, छोटे छोटे आंसर दीजिएगा कि मतलब जैसे अभी कोविड के पहले, कोविड के बाद एजुकेशन सिस्टम में एक रियलिस्टिक रूप से क्या चेंज है, और आने वाले 5 सालों में एजुकेशन या 10 सालों में एजुकेशन किस तरीके का होगा, क्या होगा? अच्छा, मतलब कोविड के पहले तो जो चलता था आपको सभी को पता ही है, मतलब स्कूल का वगैरह जो जिस तरीके का जो रेगुलरली चलता था। तो कोविड के बाद जो सिचुएशन मतलब आई थी, जो कोविड वगैरह था चल रहा था, जो वो सिचुएशन थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि अभी हम कह रहे थे कि ऑनलाइन मतलब क्लासेस चल रहे थे। तो हमारे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि गरीब लोग होते हैं, काफी तौर खेती पे डिपेंड होते हैं, तो उन लोगों के पास मोबाइल वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर कुछ लोग आते थे, मतलब जिनके पास है, हमने ऐसी लिस्ट बनाई थी कि मतलब स्कूल के जो ये प्रिंसिपल होते हैं उनको हमने बताए थे कि गांव में जितने तुम अपने स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं और किन लोगों के पास मोबाइल है और किन के पास नहीं है। तो फिर उनको हमने ऐसी लिस्ट बनाई, उनको पढ़ाने लगे हमारे यहाँ। तो फिर बाकी लोगों को था, तो फिर उनके घर में जाके फिर उनको उस टाइप का ये देते थे होमवर्क या फिर ऐसा कुछ है तो उनको ऐसा देते थे, जो होमवर्क अपन देते थे ना स्कूल में, तो वैसा हाँ तो वैसा उनके घर पे जाके मतलब वो टीचर्स लोग देते थे। तो ये सारी ट्रेनिंग आप लोगों ने टीचर्स लोगों को कराई है, ये सारी ट्रेनिंग की इस तरीके से किया जा सकता है। आपको बच्चों को किसी शिक्षा से कनेक्टेड रखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कर सको, तो ये ट्रेनिंग आप डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी टीचर्स है उनको दी गई। इतना ही नहीं बल्कि विनोद सर और इनके कुछ सहयोगी ने ये खुद से भी एक बीड़ा उठाया, लोग ये काम करेंगे और इन्होंने किया। सर मेरा जैसे दूसरा सवाल था कि ये शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, मतलब ये ऑनलाइन ही अभी आपको दिख रहा है, आने वाले 5-10 साल में ये बढ़ावा मिलेगा इसको? बढ़ावा तो है, क्योंकि अभी हमने भी मतलब हमारा जो एक ये है JSW जो कंपनी है, उन्होंने हमारे मतलब जो स्कूल है उनको डिजिटल स्कूल के इसमें किया, जो आंगनवाड़ी भी है उनको भी, तो उन्होंने काफी मतलब प्रोजेक्टर कंप्यूटर वगैरह स्कूल को दिए है। तो ये पूरे स्कूल को नहीं मिला है, तो जो लिमिटेड स्कूल है जो अच्छी लेवल की है उसी में है उन्होंने दिया है। तो कैसा है कि ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन जो ऑफलाइन में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो बच्चे के तरफ से जो रिस्पांस मिलता है, तो वो मुझे मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अपन फेस टू फेस उनको मतलब समझा सकते, बता सकते, थोड़ा ये भी कर सकते। तो ऑनलाइन के इसमें थोड़ा सा उनको ये करना मतलब कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्टी होगा। और इस मतलब आज के कॉम्पिटिशन के हिसाब से जो अगर देखा जाए तो डिजिटल ये स्कूल या फिर ऑनलाइन शिक्षा जो है ये तो आने वाली इसमें बढ़ेंगी ही, लेकिन ये भी चीज है कि अभी गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहां पे जो क्वालिटी जो है उतना मतलब मेरे ख्याल से प्राइवेट के इसमें तुलना में जो थोड़ा कम है, क्योंकि टीचर जी तो वहां पे सारी चीज टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हो और फंड वगैरह रेज कर रहे हो, है ना, ये सारी चीजें। तो टीचर्स वगैरह अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन अभी गांव की भी लोगों की मेंटालिटी थोड़ा चेंज होती जा रही है दिन ब दिन। वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हाई स्कूल में पढ़े, मतलब जो हाई क्वालिटी वाले होते, लेकिन ये लोग सोचते नहीं कि जब हाई क्वालिटी स्कूल में अगर आप दाखिल करते हो तो उसकी फीस कितनी है, क्या है, तो ये सारी चीजें मतलब लोग पहले सोचते नहीं है, बाद में उसको फिर काफी तकलीफ सहनी पड़ती है। ऐसा है कि मतलब मेंटेलिटी ये होती है कि बाजू वाले ने किसी अच्छे स्कूल में डाल कि उसके बच्चे को डाल दिया तो अपने बच्चे को भी डाल देना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें भी अच्छे मतलब काफी सारी फैसिलिटीज आपके बच्चे को मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। हाँ, इतना है कि वो पूरा मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं होता है,
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अभी, पहले तो हम जब छोटे वगैरह थे तो पांचवी क्लास से स्टार्ट होता था, अभी तो पहली क्लास से मतलब इंग्लिश का पढ़ाना शुरू कर दिया है और काफी अच्छी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं जी। और टैट का जो ट्रेनिंग होता है, टीचर लोगों को भी इंग्लिश का ट्रेनिंग दिया जाता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये सारी चीजें है अपने शिक्षा के इसमें और फैसिलिटी जी बताइए प्लीज। गवर्नमेंट की तरफ से तो काफी सारी फैसिलिटीज दी जाती है, मतलब स्टूडेंट को मतलब स्कॉलरशिप तो मिलती है, यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं उनको, मतलब जो लड़कियां मतलब स्कूल में आना चाहिए उनके लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से मतलब उपस्थिति भत्ता करके एक स्कीम चलाया जाता है, तो वो स्पेशली लड़कियों के लिए होता है, तो मतलब वो आना चाहिए इसके लिए उनको दिया जाता है। यदि आप बता दो तो दर्शकों को अच्छा होगा, है ना, बच्चे लोग जो ग्रामीण विभाग में वगैरह है। जी जी जी, सभी बच्चों को मतलब अपन आठवीं कक्षा तक के फ्री किताबें देते हैं पूरे, और उनको जो यूनिफॉर्म होते हैं तो वो उसके लिए पैसे देते हैं, और स्कॉलरशिप तो होती है, और बाजार लड़कियों के लिए स्पेशली उपस्थिति भत्ता जो बोला मैं, तो वो उनको कुछ पैसे देते हैं। अच्छा, ये नई स्कीम है उपस्थिति भत्ता, यदि आप प्रेजेंट रहोगे स्कूल में तो आपको भत्ता मिलेगा, मतलब भी स्कॉलरशिप टाइप का ही कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, है ना। हाँ, और स्कॉलरशिप तो अलग होती है लेकिन ये अलग होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, साइकिल के लिए भी हम लोग मतलब 4,200 रुपए देते हैं, लड़का हो या लड़की साइकिल मिलेगी। हाँ ये सही है, और मिड डे मिलता है दोपहर का खाना। हाँ, मिड डे मील दोपहर में आता है तो वो भी हमारी तरफ से आता है, अच्छे क्वालिटी का होता है वो, आप उनको चेक करके ही आता है, तो कुछ प्रॉब्लम रहे तो वो कंप्लेंट वगैरह करने मतलब हम बताते हैं। और गांव में एक समिति भी बनाई जाती है जो एजुकेशन के इसमें मतलब रहते हैं, जो सचिव सेक्रेटरी और अध्यक्ष वगैरह जो, तो उनको भी उनकी भी राय ली जाती है तो क्या करना चाहिए आप भी बताओ, तो उनका भी मीटिंग वगैरह हम अरेंज करते हैं, तो बताते ये सारी चीजें, मतलब जितना हो सके ओ, मतलब स्कूल को अच्छा करने के लिए, मतलब लोगों को बताने के लिए कि आप बच्चों को आप यहाँ करो, लेकिन अभी थोड़ा सा टेंडेंसी चेंज हो चुकी है लोगों की, तो ज्यादातर मतलब फीस पे करते हैं। वैसे तो जो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था 2018 से शुरू हो गया, 17 से स्टार्ट हो गया कि प्राइवेट वाले 15% फीस हर साल बढ़ाएंगे, फिर भी लोग उसको पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो पता नहीं लोग क्यों मतलब फालतू पैसा वेस्ट करते हैं। जिला परिषद में भी तो बच्चे पढ़ के कुछ बने हैं, आईएएस ऑफिसर हो गए, वो पढ़े, केवल थोड़ा सा लोगों की सोच में मतलब चेंजेस आना बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीज। हर आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। दर्शकों ने सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आपकी लाइफ रही हो और अभी देखो 10 12 के बच्चों के रिजल्ट भी आने वाले हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं ये बताऊंगा ना चाहूंगा लोगों को कि कुछ भी जो आप करते हो तो उसको दिल से करो, और ये पहले सोचो कि हम खुद क्या कर सकते हैं, मतलब दूसरे के बारे में मत सोचा करो, मतलब कंपेयर मत करो कि वो हाई क्वालिटी का है या फिर अपन ये इसके है, तो आप में खुद में आप इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, जब आपके इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दुनिया में मतलब कुछ भी कर सकते हो, आप जीत सकते हो। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप खुद स्टैंड रहो और लोगों को हेल्प किया करो, आप जरूरत से मतलब जो चीजें वो अपने पास रखो और बाकी सब ठीक चलेगा ही, तो आप लोगों को मतलब हमेशा मतलब थोड़ा एक कुछ अपने तरफ से देने की कोशिश करनी चाहिए कि ताकि उनको मतलब सेटिस्फेक्शन मिले, एक आप उनके लिए आदर्श बनने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें है, क्योंकि अपन हर एक जिंदगी में कोई ना कोई मतलब एक जो आइडल होता है जो उनसे कुछ सीखने को मिलता है, तो कहते थे ना कि कोई कि किसी के मतलब अच्छे इंसान के भी किसी मतलब स्त्री का हाथ होता है, तो अपनी जैसे माँ हो या शिक्षा हो, जैसे अपने जो प्राथमिक दर्जा अन्न वस्त्र निवारा,
उसके साथ साथ भी एक शिक्षा एक महत्वपूर्ण एक पाठ है अपनी जिंदगी का, तो उसको अच्छे से समझो, सीखो और जिस चीज में आपको रुचि हो उसी तरफ जाओ। प्रेशराइज खुद को मत करो ना दूसरे को करने दो, ये सारी चीजें हैं। आप जितना अच्छा करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। क्या मैसेज था सर, मतलब बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच वाला मैसेज था ये, सचमुच में दर्शकों को मुझे भी कुछ सिखाने का काम करेगा और मैं आशा करता हूँ मैं सीखूंगा इस चीज से। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट में आकर? सर बहुत अच्छा लगा। आप काफी मतलब पॉडकास्ट बनाते हो, काफी अच्छे अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा अच्छे अच्छे यहाँ पॉडकास्ट मिलते हैं, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और हो सके तो जितने मतलब आपके फ्रेंड हो और अदर साइड जितने जो लोगों के मतलब आप पहुंचा सकते हो वो कोशिश करो और सर को सपोर्ट दो, यही कहूंगा मैं। आप के लिए मेरे को बोलने भी नहीं दिया, आपने खुद ही बोल दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यही है ठीक, हम ना आपके साथ में दो चार और एपिसोड करेंगे इन फ्यूचर, जैसे अभी एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस पे तो हमारा हो नहीं पाया टाइम की कमी के कारण, वो भी इन फ्यूचर में करेंगे, और बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस पे हम आपके साथ बातचीत करेंगे। बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बहुत से लोग बोलते नहीं है, लेकिन आपके इस ब्रेव और करेजियस नेचर का मैं सच में कायल हो चुका हूँ, एंड रियली इट्स सल्यूटेबल कि आपने सारी चीजें जो अच्छी थी उसे अच्छा बोला, जो बुरी थी उसे बुरा बोला, और हम फ्यूचर में भी यही करने का ट्राई करेंगे। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत हमारे आज के गेस्ट बनने के लिए और हमारे शो में आने के लिए सर, शुक्रिया जी। धन्यवाद सर।